जिस नमक को हम खाने में और पकाने में यूज करते हैं, उस नमक की खेती कैसे होती है, वह किस प्रोसेस से बनकर आपके पास आता है? चलो देखते हैं। पहले मोटर से खरे पानी को जमीन से निकाला जाता है। अब इस पानी को खेतों में छोड़ दिया जाएगा। फिर इस खेतों में चल चलकर मिट्टी को बैठाया जाएगा, जिससे मिट्टी बैठ जाए और नमक में ना चिपके। दो दिन बाद इस पानी को अलग खेत में छोड़ा जाएगा। इस कच्ची नालियों के द्वारा ये खेत में इकट्ठा होगा, फिर एक फंटी की मदद से इसे चलाया जाएगा। एक हफ्ते तक लगातार चलने से नमक सतह पर जमने लगता है। अब इस नमक को इस फंटी से खींच खींच कर इकट्ठा किया जाएगा, जिससे नमक एक जगह इकट्ठा हो जाए। फिर इसे मेड़ के ऊपर चढ़ा देंगे। अभी यह नमक बना नहीं है और शुद्ध भी नहीं है, तो इस नमक को रिफाइनिंग के लिए फैक्ट्री को भेजा जाएगा। जिस आम के जूस को आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, वह फैक्ट्री में कैसे बनता है, चलो देखते हैं। पहले आम के पेड़ से घूम घूम कर पके हुए आम को तोड़ लिया जाता है। अब इसे ट्रे में रखकर गोदाम पर ले जाया जाएगा। फिर आम के ऊपर और नीचे काट लिया जाएगा। अब इस ट्रे को ठेले पर लाद कर फैक्ट्री में ले जाएंगे और इस आम को इस भगोने में उलट देंगे। अब आम को पानी के प्रेशर से अच्छे से धोया जाएगा। फिर आम को उठाकर इस कन्वेयर बेल्ट पर डालते जाएं। आगे कन्वेयर बेल्ट आम को इस मशीन में गिरा देगा, जिससे आम के छिलके और गुठली अलग हो जाए। अब आम के रस को अलग निकाल लिया जाएगा। अभी यह आम का रस बना नहीं है, तो इसे मिक्सिंग मशीन में निकालकर 10 मिनट तक घोला जाएगा, जिससे आम का रस तैयार हो जाए। अब इस आम के जूस को एक अलग कंटेनर में निकाल लेंगे, जहां प्लास्टिक में पैक कर ग्राहक को